शहर के एक युवक ने अपनी गाड़ी चलाने के शौक को पूरा करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मामा की गाड़ी चुराई। एक इंसान अपने शौक पूरे करने के लिए किस हद तक गिर जाता है, इसका उदाहरण तहसील पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आया है। एक युवक ने अपनी गाड़ी चलाने के शौक को पूरा करने के लिए अपने मामा की ही गाड़ी चुराई। इस मामले में तहसील पुलिस पीयूष रंगारी और सौरभ चतुरकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीयूष को नई नई गाड़ी चलाने का शौक है। इसी शौक के चलते उसने अपने मामा संतोष निनावे को होली के पहले गाड़ी चलाने के लिए मांगी। इसी का फायदा उठाकर उसने गाड़ी की दूसरी चाबी बना ली। 15 मार्च को संतोष कुछ काम के लिए नंगा पुतला गए थे। इसी वक्त पीयूष ने अपने दोस्त सौरभ को गाड़ी चुराने को कहा। सौरभ ने दूसरी चाबी से गाड़ी चुरा ली। संतोष काम कर गाड़ी के पास आए मगर गाड़ी नहीं दिखाई देने पर उन्होंने आसपास गाड़ी ढूंढी मगर गाड़ी नहीं दिखाई दी। आखिरकार संतोष ने गाड़ी चोरी जाने की शिकायत तहसील पुलिस में कराई। पीयूष गाड़ी छुप छुप कर चलाता था। 8 अप्रैल को पीयूष और सौरभ बिना नंबर प्लेट के गाड़ी पर पुलिस को दिखाई दिए। पूछताछ करने दोनों ने भी सही जवाब नहीं दिया। पुलिस को दोनों पर संदेह आया। पुलिस दोनों को थाने ले आए और सख्ती से पूछताछ की। सख्ती के पूछताछ के बाद दोनों ने भी अपने सभी कारनामे पुलिस के सामने कबूल कर दिए। पुलिस ने दोनों के पास से 3 गाड़ी और 2 मोबाइल सहित 57,000 का माल जब्त किया है। पुलिस स्टेशन ने अपराध क्रमांक 157/2022 भादवी 381 यातील फिर्यादी संतोष किशन निनावे यांची गाड़ी नंगा पुतला चौकीतून चोरी गेली होती। तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की आरोपी जो आहे तो फिर्यादी यांचा मुबला भांजा आहे आणि भांजाला जेव्हा गाड़ीची आवश्यकता होती त्यावेळेस त्यांनी फिर्यादीकडून गाड़ी घेतली व गाड़ी त्यांनी एक दिवस वापरल्यानंतर ते गाड़ीची चावी त्यांनी बनवून घेतली व गाड़ीची चावी बनवून घेतल्यानंतर परत त्यांनी गाड़ी वापरून आपल्या मामाकडे दिली, फिर्यादी यांच्याकडे दिली। फिर्यादी यांच्याकडे दिल्यानंतर 1-2 दिवसांनी परत जो आरोपी आहे पीयूष राजेश रंगारी याने त्याचा मित्र सौरभ गजानन चतुरकर याच्यासोबत मिळून ती जी गाडीची डुप्लिकेट चावी बनवली ती ती गाडीची चावी त्या गाडीच्या चावीचा यूज करून ती गाडी त्यांनी वापरात आणलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।